अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। उसके लिए हम मसाला रेडी कर लेंगे और चिकन को भी मैरिनेट करके रख लेंगे। हम मसाला रेडी करेंगे। मसाले के लिए सूखा नारियल, फ्राइड अनियन, फ्राइड आलमंड्स और योगर्ट डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। यहाँ चिकन मैरिनेट कर रहे हैं हम। जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट एंड रेड चिली पाउडर, सारी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लेना। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, जो रेडी किया था मसाला वो ऐड करेंगे। इसको इतना भुनना है आपने कि इसका ऑयल सेपरेट होना चाहिए। जो स्मेल है कच्ची वो ख़त्म होनी चाहिए इसके अंदर। इसको अच्छे से फ्राई करिए। इसमें अभी हम रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। इससे एक बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। वन चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बनाएं। बहुत झटपट सा और बहुत ही मज़ेदार ये कोरमा बनकर रेडी होता है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हमने मैरिनेट करके रखा था 15 से 20 मिनट के लिए। इसको अच्छे से भूनिए। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो जो हमारा मसाला बच गया था हमने उसको मिक्स करके इसमें डाल दिया है। यहाँ पे हम चिकन मसाला ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर लेना। वन टीस्पून हमने ऐड किया है। पंद्रह से बीस मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छे से गलाना है। हमारा चिकन अभी नहीं गला है तो हम और 10 मिनट्स के लिए इसको रखेंगे। चिकन अच्छे से टेंडर होना चाहिए, अंदर तक पकना चाहिए। ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। अभी हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये कोरमा है। ज़रूर बनाइए और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।